हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी इस वीडियो पे ना आप लोग देखोगे ओल्ड लुधियाना का जो स्ट्रीट फूड, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी ओल्ड लुधियाना का ढेर सारा स्ट्रीट फूड। तो मेरी वीडियो पे बने रहिए और करिए मेरी वीडियो को एंजॉय। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बन टिक्की खाने के लिए, करते हैं उसको टेस्ट, देखते हैं उसकी मेकिंग। चलिए फ्रेंड्स, ओके अच्छा सिंपल बन के ऊपर टिक्की को लगा देते हैं। अरे वाह, तो चलिए हमारी जो बन टिक्की है वो बन रही है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 47 साल हो गए। अरे वाह, 47 साल, यही लोकेशन पे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, सबसे पुराना काम अपना है। ओके, बाकी तो नए खुले हैं। डाल रहे हो आप? ये हरी चटनी है जी। ओके जी, पुदीना तली है जी। पुदीने धनी की चटनी है, मीठी चटनी होगी ना, डाल दो। अरे वाह, ये आ गया ऊपर से दही, ये आ गया ऊपर से प्याज। टिक्की को ना बन के ऊपर अच्छी तरह से लगाते हैं, बाकी मेकिंग तो वही आपने देख ही ली होगी। अब आते हैं इसके टेस्ट की बारी, करते हैं इसको टेस्ट। सुपर क्रंची चटनी जो इन्होंने डाली है ना, बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रही है भाई। इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, इसकी लोकेशन है नियर बुक्स मार्केट पे, सामने ही जो चौंक है ना, ये बन टिक्की वाले अंकल जो है यहाँ पे सेल करते हैं। इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं, ओनली 40 रुपीज़ में आपको इतनी बड़ी सारी टिक्की खाने को मिलेगी, पेट आपका जाना है भाई भर। चलिए मैं तो करती हूँ इसको इंजॉय। चलिए अब मैं आ गई हूँ चाचा दी हट्टी रे स्पेशल छोले भटूरे खाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और करते हैं छोले भटूरे को टेस्ट। आइए फ्रेंड्स, मैं चाचा दी हट्टी का ओनर बोल रहा, 40 साल तो मतलब है साड़ी दुकान पुराने चल रहे हैं। पहले मतलब सब तो पहला सी कि जिस तरीके मतलब दुकान शुरू हुई थी बहुत छोटा बाजार सेगा, तो साढ़े चाचा जी ने काम शुरू किया, वो फिर काफ़ी देर तो मतलब चलता चलता हूँ देखो हूँ अज मतलब चाचा एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने तो बाद हम संभालिया हो काम, नाल बच्चे बैठते हैं कम करी जा रहे सब। पहले तो छोले भटूरे समोसे टिक्की लस्सी मतलब फेमस है, मतलब टोकन तो कम चल रहा है, राशन जो लिया फिर बिना टोकन तो कैश संभालना बड़ा औखा हो जाता, इस करके मतलब टोकन तो कम चल रहा है। ये साड़ी रेट लिस्ट है, इस मतलब लिख के रखे है कि बंदा भुल ना जाए कि जल्दी जल्दी गल हो जाती है। करो मैं आपके यहाँ का क्या टेस्ट करूँ? छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम यहाँ के छोले भटूरे जो टेस्ट करते हैं। भैया हमारी प्लेट लगा दीजिए छोले भटूरे। आप फ्राई करके रख लेते हो ना, फिर दोबारा से फ्राई करते हो जैसे जैसे ऑर्डर आता है? ओके, आलू की सब्जी है, अच्छा पनीर है, चटनी, प्याज, सैलेड, भटूरे, सब्जी, सैलेड, अच्छा ऊपर से पनीर भी डाला है। अरे वाह भाई वाह। चलिए भाई बनाते हैं अपनी बढ़िया सी वाइट। ये इन्होंने दिया हमें छोले और आलू, ऊपर से चटनी और साथ में दही बनी। मेरे तो भाई मुंह में पानी आ रहा है, फटाफट से बनाते हैं अपनी वाइट। ये आ गया हमारा प्याज, ये हमारी सब्जी। बहुत ही टेस्टी है सीरियसली, इनकी सब्जी है ना छोले की और आलू की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चटनी तो बड़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मज़ा आ गया अभी खा के। लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ चाचा दी हट्टी दी, ये है फील्डगंज में नियर जामा मस्जिद पे। और जो भटूरे की प्लेट है ना, दो भटूरे मिलेंगे आपको 50 रुपीज़ में, एक भटूरा खाना हो तो ओनली 50 रुपीज़। प्लेस तो भाई ये मस्ट विजिट है, आपको यहाँ पर ज़रूर आना। और टाइमिंग्स मैं इनके बता देती हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग टेस्ट करते हैं क्रीमी क्रीमी गोल कप्पा। आइए फ्रेंड्स टेस्ट करते हैं। तो चलिए हमारा बन रहा है गोल कप्पा। ये गोल कप्पों को चूर चूर करके भी उसमें डाला जा रहा है। अरे वाह,
अभी आ गए गोलगप्पे के अंदर आलू, अभी आ गई गोलगप्पों में क्रीम, अरे वाह, अभी आ गए आलू, फिर से आ गए भाई आलू, अरे वाह, फिर से आ गई क्रीम। ये कौन सा मसाला डाला भैया आपने? ये अपना मसाला तैयार किया होता है। अच्छा, सीक्रेट मसाला होता है भाई इनका। अभी हमारा गोलगप्पा तैयार है, करते हैं भाई इसको टेस्ट। इतनी सारी तो इसके अंदर फीलिंग्स भरी हुई, कैसे खाएं? एक बाइट और ले लेती हूँ। फुली क्रीम गोलगप्पे को चूर चूर करके जो डाला हुआ है, ऊपर से इन्हें डाला इनका सीक्रेट मसाला, वो तो भी बड़ा ही टेस्टी है। मैं करती हूँ अपने गोलगप्पे को एंजॉय, वीडियो में बने रहिए, आगे भी बड़ा कुछ आ रहा है भाई। बना दो भाई, भैया मेरी तो एक सॉफ्ट ही बना दो। अरे वाह भाई, कितनी देर में जम जाता है भैया ये आइसक्रीम? आधे घंटे में। कितने तरह के ड्राई फ्रूट यूज करते हो? कितने तरह के ड्राई फ्रूट यूज करते हो? इसमें तो काजू, सौगी, ओके, गाजर मुरब्बा, ओके, हाँ जी, आम का मुरब्बा, सारा कुछ, ओके। चलिए भाई, मेरी आइसक्रीम तो आ चुकी है, करते हैं इसके पूरे पूरे मज़े। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत रिफ्रेशिंग है भाई। इतना कुछ ना गरम गरम खाने के बाद मेरा तो दिल कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाने का। मैंने कहा क्यों ना बसंत पे आके इनकी जो है सॉफ्टी ट्राई की जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा ही आ गया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं बसंत वालों की खोए कुल्फी की जो है मेकिंग। पड़ गई भाई और बर्फ, लुक एट दिस यार, ओह माय गॉड, नमक डल रहा है भाई, अरे वाह। कौन सा नमक है ये? सेंधा नमक है, सेंधा नमक, अच्छा है। कुल्फी को सांचों में भरा जा रहा है ना। कितनी देर में जम जाती है ये? 10-12 मिनट लगेंगे। अब 10-12 मिनट में जम भी जाएगी? अरे वाह, मतलब 10-15 मिनट में ये जम जाएगी ना। आप अंगुल डाल दोगे ना 15 मिनट, अच्छा, तो आपके अंगुल सही नहीं होगी दोबारा। अच्छा, इतना हीटिंग होती है, इतना जम जाएगी अंगुल। रोज की कितनी कुल्फियाँ बना लेते हो, कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है मैडम, जितना माल निकल जाए ऐसे हम लोग। ये बनती किस चीज़ की है खोए वाली कुल्फी? ये खोया रबड़ी बनाते हैं, सब दूध का ही होता है सारा। अच्छा अच्छा, दूध ही है। ड्राई फ्रूट यूज होता है इसमें? हाँ, ड्राई फ्रूट यहाँ देखो। अरे वाह, तो भाई मेरी खोए वाली कुल्फी तो आ गई है। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया भाई। आप लोग ना जब भी फील्डगंज जाओ ना, यहाँ पे आना जरूर, कुल्फी तो भाई जरूर यहाँ की बसंत की जो है ट्राई करना, मेरे कहने पे आना, बहुत टेस्टी है। इसका प्राइस जो है ना वो 20 रुपीज़ है कुल्फी का, उसमें तो बड़ी अच्छी डील है भाई, मज़ा ही आ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो मेरी वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना, मज़ा आ गया ना, उस मज़े के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं हम नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।